एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन है फिर से प्रेग्नेंट। बच्चन फैमिली में आने वाला है एक नन्हा मेहमान। जी हाँ, ऐसी खबरें पिछले दो दिनों से न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर चलाई जा रही हैं। और जब से ये खबर आई है बॉलीवुड में सभी हैरान हैं, क्योंकि बच्चन फैमिली ने अब तक इस तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। दरअसल एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक जब रिसेंटली ऐश्वर्या अपने फैमिली के साथ वोट डालने आई थी तो उन्हें देख कर साफ पता चल रहा था कि ऐश्वर्या इज एक्सपेक्टिंग अ न्यू बेबी। ये न्यूज काफी बड़ी है, ऐसे में हमने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ऐश्वर्या के पब्लिसिस्ट से कांटेक्ट किया और इस मामले में ना तो हमारे फोन उठाए गए और ना ही हमारे मैसेजेस का जवाब दिया गया। मतलब साफ है कि इस पूरी न्यूज पर बच्चन फैमिली कुछ भी बोलने से बच रही है और बच्चन फैमिली की यही चुप्पी इस तरह की न्यूज को और भी हवा दे रही है। हम आपको बता दें, ऐश्वर्या ने हाल ही में मणि रत्नम की एक बड़ी फिल्म साइन की है जिसे ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म माना जा रहा है। साथ ही प्रहलाद कक्कड़ की फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी के लिए भी ऐश्वर्या का नाम फाइनल बताया जा रहा है। ऐसे में ऐश्वर्या के दोबारा प्रेग्नेंट होने की आई ये न्यूज काफी सरप्राइजिंग है। वैसे आपको याद ही होगा कि ऐश की फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त भी वो हीरोइन की शूटिंग कर रही थी जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। उस वक्त ऐश के इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। ऐसे में न्यूज़पेपर्स में दोबारा ऐश के प्रेग्नेंट होने की आई न्यूज काफी सरप्राइजिंग है। वैसे इंडस्ट्री के कई लोग इस न्यूज को सिर्फ और सिर्फ रूमर बता रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया में ये गलत न्यूज किसी ने लीक कर दी है और अगर इस न्यूज में कोई भी सच्चाई होती तो बच्चन फैमिली जरूर मीडिया से बात करती। वेल, अब पूरी सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता। ऐसे में बच्चन फैमिली को एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके इस पूरी न्यूज पर अपना क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। फॉर एलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।